नमस्ते बच्चों, मैं आज आप लोग के लिए फिर से एक चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है मोर अबाउट मी। तो इसके लेसन के अंतर्गत क्या क्या पढ़ाई करनी है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको शेयर करेंगे। चले मोर अबाउट मी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, दिस इज हाउ आई लुक नाउ, मैं कैसा हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ। तो कैसा दिखता हूँ, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक तस्वीर लगानी होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक तस्वीर लगाना है। ये देखो, ये बच्चा भी क्या बोल रहा है, स्टिक योर पिक्चर हेयर, मतलब आपको यहाँ क्या करना है, तस्वीर लगानी है। ओके, इसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। फिर कह रहा है दिस इज मी, यानी यहाँ पर कौन है, मैं हूँ। और इसके बारे में, इसके संबंध में आपको फिर से यहाँ पर क्या करना है, कई प्रकार के इन्फॉर्मेशन हैं जो आपको देने हैं, जैसे माय नेम इज समथिंग, कुछ भी जो आपका नाम है लिख सकते हैं। आई एम ए बॉय, है ना। आई एम ए 7 ईयर ओल्ड, आप जितने ईयर ओल्ड हैं वो आप लिख सकते हैं। आई एम इन क्लास, जो भी आपका क्लास है आपको इस तरह से क्लास लिखने हैं। इसके बाद आप आ जाइए आई एम ग्रो अप नाउ, यहाँ पर कह रहा है आई एम ग्रो अप नाउ, है ना। आई कैन डू सो मेनी थिंग्स ऑन माई ऑन, ये लड़का कह रहा है कि मैं अपने आप बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं अपने आप बहुत कुछ कर सकता हूँ। आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, सो मेनी थिंग्स, बहुत सारे काम, ऑन माई ऑन मतलब मैं अपने से बहुत सारे कार्य को कर सकता हूँ। आप भी कर सकते हैं बहुत सारे काम जो आप अपने अपने से करते होंगे। फिर है इसके बाद, फिर यहाँ राइट यस और नो, यस और नो के रूप में आपको लिखना आई कैन, मैं कर सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्रश माई टीथ, क्या आप कर सकते हो, तो बच्चे ने लिखा है यस। ड्राइव ए कार, कर सकते हो, नो। राइड ए साइकिल, नो। कुक फूड, नो। तो इस तरह से आप अपने को जवाब देंगे कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। रीड ए स्टोरी बुक, यस, है ना। राइट टू मोर थिंग्स दैट यू कैन डू योर सेल्फ, आप अपने से यहाँ पर लिखें कि आपको और क्या क्या कर सकते हैं, तो आपको स्वयं से लिखना है ना। इसके बाद फिर सेकेंड चैप्टर में आइए, यहाँ लिखा हुआ आई हैव माई ऑन लाइक एंड डिसलाइक, आई हैव माई ऑन लाइक एंड डिसलाइक, मुझे इसमें अपने आप बहुत कुछ पसंद है और अपने को कुछ कुछ नहीं भी पसंद है। तो इसके अंतर्गत आप देखिए क्या है यहाँ पर, माई फेवरेट, आपका फेवरेट क्या है, फेवरेट क्या है, फूड में क्या फेवरेट है, राइस एंड दाल, है ना। कलर में क्या फेवरेट है, अपना लिखेंगे। बुक में क्या फेवरेट है, बुक इज स्टोरी बुक। टॉयज, कार टॉय, आपको भी कुछ अलग टॉय पसंद होंगे तो आप अपना अलग लिखेंगे। ओके, फ्लावर में आपको क्या पसंद है, तो यहाँ लिखा गया है रोज। गेम इज, तो गेम कौन सा पसंद है, बैडमिंटन, तो इसने बैडमिंटन लिखा है। आपको जो पसंद है आप लिखेंगे यहाँ पर, अपने गेम का नाम लिखेंगे, ठीक है। अब वी ऑल लुक डिफरेंट, हम लोग, वी ऑल लुक डिफरेंट, वी ऑल हैव द सम बॉडी पार्ट एंड येट वी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। We all have the same body part and yet we are different from one another. This is because of the difference in shape, size or color of our body part. ठीक है, कहता है we all have the same body, हम लोगों का शरीर सभी का एक जैसा है। वी आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, फिर भी हम लोग
डिफरेंट है। दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट इन शेप, जैसे हम लोग शेप में अलग हैं, साइज में अलग हैं, कलर में अलग हैं, आवर बॉडी पार्ट्स और बॉडी पार्ट्स में भी कुछ कुछ अलग हैं। सम ऑफ अस आर शॉर्ट व्हाइल सम आर टेल, कहता है सम ऑफ अस आर शॉर्ट, कुछ जो हैं वो छोटे हैं, और व्हाइल सम आर टेल, और कुछ जो हैं वो बड़े हैं। नाउ लुक एट द गिवन पिक्चर एंड राइट डाउन द नेम ऑफ द चाइल्ड हु इज, कहता है नाउ लुक एट द गिवन पिक्चर, नीचे पिक्चर जो दिया हुआ है उसको आप देखें, एंड राइट डाउन और नीचे लिखें द नेम ऑफ द चाइल्ड हु इज, ठीक है, नीचे देखें और लिखें, क्या लिखना है चलिए देखते हैं। नीचे ये है राधा, ये है शैल, ये है मीनू, ये है कबीर। अब इसके बारे में आपको बताना है, नीचे क्या बताना है सो सुन लीजिए। टेलिस्ट कौन है, तो टेलिस्ट कौन है तो आप यहां पर देखेंगे, सबसे टेलिस्ट कौन है, सबसे लंबा कौन हुआ, देखो कौन था, कबीर, वेरी गुड। अब इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अब यहां पर वी ऑल हैव टू लेग एंड टू फीट बट दे आर डिफरेंट इन साइज, कहता है वी ऑल हैव टू लेग, हम सभी के पास दो लेग हैं, है ना सबके पास, यस, एंड टू फीट बट, और हम लोग के पास दो तलवार हैं, दे आर डिफरेंट इन साइज, लेकिन वे, ये फीट हो गया, यहाँ से यहाँ तक जो एरिया होता है वो फीट होता है ना, और ये पूरा का पूरा जो है वो लेग कहलाता है, ओके, तो लेग समझ गए और फीट भी समझ गए, तो ये इसमें क्या होता है, डिफरेंट साइज होते हैं, यहाँ से लेकर के डिफरेंट साइज होते हैं, यही वजह है, आपको भी पता होगा आपके घर में बहुत सारे साइज के अनेक चप्पल पाए जाते होंगे, बड़े छोटे, है ना। लुक एट द पिक्चर गिवन ब्लो, आप यहाँ पर पिक्चर को देखें, है ना, तो पिक्चर को देखने के बाद पता चल रहा है अलग अलग पैर का अलग अलग नाप भी है ना, अलग अलग फीट का अलग अलग साइज है, ओके। फिर आगे चलते हैं, डू दे हैव सम साइज ऑफ फीट, अब यहां पर क्वेश्चन कह रहा है डू दे हैव सम साइज ऑफ फीट, तो आंसर बच्चे ने लिखा है नो, दे हैव नो सेम साइज ऑफ फीट, सारे जो है सेम साइज फीट नहीं है। वी ऑल हैव टू आईज बट दे आर डिफरेंट इन कलर, मोस्ट ऑफ अस हैव ब्लैक आईज बट सम हैव ब्राउन ग्रीन और ब्लू आईज, देखो यहाँ पर भी क्या है, सभी लोगों की दो आंखें होती हैं, है ना, सभी लोगों की कितनी आंखें होती हैं, टू आईज, दो आंखें होती है, लेकिन बट दे आर डिफरेंट इन कलर, वे कलर में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, है ना, जैसे किसी का आंख जो है सो ब्लैक होता है, ज्यादातर मोस्टली क्या होता है, ये ब्लैक होता है ना, इसके बाद कुछ लोगों का ब्राउन भी होता है, कुछ लोगों का ग्रीन भी होता है, और कुछ लोगों का ब्लू भी होता है, लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो ज्यादातर ब्लैक ही होता है, देखिए ये हल्का ब्राउन टाइप में है ना, और ये देखिए ये ब्लू टाइप में है, तो अलग अलग कलर के होते हैं, पर मोस्टली क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं, ओके। लुक योरसेल्फ इनटू द मिरर, अपने आप को मिरर में देखो, है ना, योरसेल्फ मतलब अपने आप को, इनटू द मिरर, मिरर में अपने आप को देखो, चेक द कलर ऑफ योर आईज एंड फिल इट इन गिवन पिक्चर, आपको अपना चेहरा ऐनक में देखना है
और क्या करना है, नीचे पिक्चर में जो दिया हुआ है उस तरह से आपको फील करना है, यानी कलर करना है, भरना है। ओके, मोस्ट ऑफ द पीपुल हैव ब्लैक हेयर बट सम हैव ब्राउन और व्हाइट हेयर। कहता है मोस्ट ऑफ द पीपुल हैव ब्लैक हेयर, ज्यादातर लोगों का बाल क्या होता है, ब्लैक होता है, बट सम हैव ब्राउन, बट कुछ लोग ब्राउन हेयर को भी रखते हैं, और व्हाइट हेयर, और कुछ लोगों के बाल जो हैं क्या होते हैं, व्हाइट होते हैं कि नहीं? यस। ओके, दिस इज राहुल्स फादर, यह राहुल के पिता हैं। लुक एट द कलर ऑफ हेयर ऑफ ईच मेंबर इन राहुल्स फैमिली, डज इट लुक सेम? आप राहुल के परिवार को देखिए, क्या इन सभी के बाल एक जैसे हैं? तो आंसर क्या होगा आपका? बिल्कुल सही, नो, सबका सेम सेम नहीं है। ओके, राइट डाउन द कलर ऑफ द हेयर ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ योर फैमिली, आपके पूरे परिवार में जितने लोगों के जैसे जैसे बाल है उनके बाल को आप लिखेंगे, उनके हेयर कलर को आप राइट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर फैमिली मेंबर हो गया, जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर, है ना, और ये सबका आपको कलर लिख करके दिखाना है, होता है यहाँ पर। आपको जब बुक मिलेगा तो आप दिखलाएंगे, है ना, ब्रदर सिस्टर योर सेल्फ, योर सेल्फ मतलब आपका अपना, है ना, आपका अपना बाल कैसा है इसके बारे में आपको लिखना है। ओके, एंड यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी है, और एक्टिविटी क्या है, कंपेयर योर सेल्फ विथ योर फ्रेंड एंड कर द फॉलोइंग टेबल, आपको यहाँ पर कंपेयर करना है। ओके, जैसे यहाँ पर आपका नेम, नेम में माई सेल्फ, माई सेल्फ मतलब अपना नाम लिखना है आपको, फिर माई फ्रेंड, अपने फ्रेंड का यहाँ पर नाम लिखना है, अब एज लिखना है उसी तरह से, माई सेल्फ मतलब अपना लिखना है, एंड माई फ्रेंड अपने फ्रेंड का भी यहाँ पर लिखना है। इस तरह से आपको यहाँ पर क्या करने हैं, कंपेयर करने हैं, क्या करने हैं, कंपेयर करने हैं। ओके, कर लेंगे, वेरी गुड। नेक्स्ट, आगे आगे देखिए आपका क्या है, आगे में क्या करना है, दस, दस मतलब होता है इस प्रकार, TH US। ओके, दीज आर द फीचर्स दैट मेक अस लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हम लोगों को जो डिफरेंट होता है, एक एक लड़का दूसरे लड़के में जो डिफरेंट होता है वो किसके वजह से होता है, डिफरेंट फीचर्स की वजह से होते हैं, सबके अलग अलग फीचर्स होते हैं। ओके, लेट अस स्टडी अबाउट द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, लेट अस स्टडी अबाउट, चलिए हम लोग स्टडी करते हैं किसके बारे में, डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। सी द पिक्चर गिवेन बिलो एंड आइडेंटिफाई डिफरेंट बॉडी पार्ट। सी द पिक्चर, समझ में आई, पिक्चर को देखो, गिवेन बिलो मतलब नीचे जो दिया गया है, एंड आइडेंटिफाई मतलब पहचान करो डिफरेंट बॉडी पार्ट, डिफरेंट बॉडी पार्ट को पहचान करो। तो ये तो आपको बचपन में ही, पहले ही आप सीख चुके हैं, वन क्लास में भी सीखे होंगे, टू क्लास में भी सीखे होंगे, ये सारे आपको लगभग याद होंगे। अगर कुछ नहीं याद है तो आप इसको याद कर ले। साथ में सबसे जरूरी बात है कि आप इसमें स्पेलिंग के साथ याद करें। ओके, तो उम्मीद है इसको स्पेलिंग के साथ आप याद कर लेंगे, एक नज़र देख लेंगे, ठीक है, जो जो छूट रहा होगा उसको आप याद कर लेंगे। ओके, देखिए ये जो फुट है ना, फुट को फीट बोलते हैं, फीट। इसके बाद यहाँ पर भी है समथिंग टू डू, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ दीज बॉडी पार्ट। अब यहाँ पर देखिए आईज, आईज कितने होते हैं, टू, नोज कितने होते हैं, वन,
ईयर कितने होते हैं? टू। तो इस तरह से हैंड कितने होते हैं? टू। फिंगर ऑन ईच हैंड, तो फिंगर कितने होते हैं ईच हैंड? तो फाइव फाइव होते हैं, फाइव ईच होता है, टोटली 10 होता है। तो ईच फिंगर, ईच हैंड बताना है, मतलब प्रत्येक हाथ में बताना है, तो कितने होंगे? फाइव। ओके, नेक्स्ट लेग्स। लेग्स कितने होते हैं? टू। और टोस ऑन ईच फुट, टोज, टोज मतलब अंगूठा, टोज मतलब अंगूठा, टोज ऑन ईच फुट, प्रत्येक फुट में अंगूठे कितने होते हैं? वन। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप? वन लिखेंगे। ओके, आगे चलूं, इसके बाद आप देखेंगे, नेम द बॉडी पार्ट विच रैम्स विथ द गिवेन वर्ड। आपको रैम्स मतलब जिस तरह से बोलने में लगता है ना, उसी तरह से बोलने में और क्या लगेगा, है ना। जैसे आप यहां पर एक उदाहरण ले लेंगे, जैसे साउथ, तो साउथ के जैसा बोलने में क्या लग रहा है? माउथ। अब समझ में आई? साउथ माउथ, बैंड हैंड, रोज नोज, रेस्ट चेस्ट, चेक नेक, डम थम, पिन चिन, है ना। इस तरह से जो सेम सेम बोलने में लगे उसको आपको सेम सेम रैम्स की तरह आपको बोलना है ना, सेम सेम मिलाते हुए, वार्म आर्म। ओके, दसवें पेज की ओर चलते हैं। देखिए यहां पर क्या करना है, फाइंड आउट देम बॉडी पार्ट, आपको बॉडी पार्ट को खोजने हैं फ्रॉम द वर्ड ग्रीड। ग्रीड में आपको कुछ वर्ड दिए हुए हैं, आपको इस तरह से आपको खोजने हैं। ऑल्सो राइट देम डाउन, और उसको फिर नीचे लिखना है। पहले यहाँ पर आपको ग्रीड ग्रीड को ये सर्कल बना करके आपको ये करना है, और इसके बाद फिर उसको कौन सा वर्ड बना बारी बारी से आपको नीचे लिखना है, इन द गिवन स्पेस, जो स्पेस दिया गया है उसमें। फर्स्ट वन इन डन फॉर यू, एक आपके लिए करके दिखा दिया गया है, तो ये आपका ग्रीड हो गया। और आपको ग्रीड में पहले आपको बॉडी पार्ट खोजने हैं, और जब आप खोज लेंगे इस तरह से सर्कल बना लेंगे, अब आपको क्या करना है, अब आपको नीचे लिखना है, अब आपको नीचे लिखना है। देखिए यहाँ पर ये सारे वर्ड को एक कर एक लिख दिया गया है, बाद बाकी आपको लिखने हैं, ठीक है। इस तरह से आप लिख लेंगे, इस तरह से आप लिख लेंगे। ओके, सी हाउ माई बॉडी वर्क, देखो हमारा शरीर कैसे काम करता है। डिफरेंट बॉडी पार्ट नेमली हैंड फिंगर लेग फीट एंड आर्म हेल्प अस टू डू डिफरेंट थिंग। समझ में आई? नहीं, चलिए मैं फिर से समझाता हूं। डिफरेंट बॉडी पार्ट यानी बॉडी के जो अलग अलग पार्ट होते हैं, नेमली हैंड, जैसे उसका नाम हैंड है, फिंगर है, लेग है, फीट है, आर्म है, ये हेल्प करते हैं डिफरेंट थिंग, ये अलग अलग चीजों में हेल्प करते हैं। कैसे अलग अलग चीजों में हेल्प करते हैं, आगे देखते हैं। रीना इज वेरी स्मार्ट, रीना कैसी है? वेरी स्मार्ट है। सी व्हाट ऑल सी डज विथ हर हैंड एंड फिंगर, सी व्हाट ऑल सी डज विथ हर हैंड एंड फिंगर, वे हैंड एंड फिंगर के द्वारा क्या क्या करती है, आइए देखते हैं। रीना क्या क्या करती है, देखो सबसे पहले क्या कर रही है, ईटिंग कर रही है। ये क्या कर रही है, अम्ब्रेला को पकड़ी हुई है, तो यहां लिखा हुआ भी है, पढ़िए इसको, रीना ईट विथ हर हैंड एंड फिंगर। रीना ईट कर रही है किसके द्वारा, तो विथ हर हैंड एंड फिंगर, हैंड एंड फिंगर के द्वारा ये क्या कर रही है, रीना ईट कर रही है। ओके, अब यहां पर आप पढ़ के बताओ, रीना होल्ड्स थिंग विथ हर हैंड एंड फिंगर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहां पर रीना क्या कर रही है, अम्ब्रेला को या कोई वस्तुओं को होल्ड कर रही है, होल्ड मतलब हाथ में थामे हुए है। ओके,
विथ हर हैंड एंड फिंगर, हैंड एंड फिंगर के द्वारा वस्तु को अपने हाथ में थामे हुए हैं, यानी पकड़े हुए हैं। थामे हुए मतलब पकड़े हुए हैं। ओके आगे चलिए, फिर यहां देखिए रीना क्या कर रही है। रीना कैच ए बॉल, रीना बॉल को पकड़ रही है। अब बताओ किसके द्वारा पकड़ रही है, तो हर हैंड एंड फिंगर। तो हैंड एंड फिंगर से क्या कर रही है, बॉल को कैच कर रही है। ओके रीना राइट विथ हर हैंड एंड फिंगर, हैंड एंड फिंगर के द्वारा रीना क्या कर रही है, राइट कर रही है। आप भी, आप राइट किससे करते हो, वेरी गुड, हैंड एंड फिंगर से, वेरी गुड। मीट रीनास फ्रेंड राहुल, मीट रीनास फ्रेंड राहुल, रीना के फ्रेंड राहुल से मिलो। मीट मतलब मिलना। ओके राहुल इज ऑल्सो वेरी एक्टिव एंड स्मार्ट, राहुल भी क्या है, बहुत ही एक्टिव और स्मार्ट है। एक्टिव मतलब समझ रहे हैं ना, एक्टिव मीन्स जो बच्चा अपने से अपना सारा काम करता हो उसको एक्टिव कहते हैं, है ना। यानी कोई भी काम धड़ल्ले से करना है, जल्दी जल्दी करना है, और स्मार्ट तो समझ ही रहे हैं। सी व्हाट ही डज विथ हिज लेग एंड फीट, सी व्हाट देखो क्या कर रहा है, हिज लेग एंड फीट अपने फीट और लेग के द्वारा वो क्या कर रहा है, चलो देखते हैं। तो आप बताओ और पढ़कर बताओ ये क्या कर रहा है। ओके देखो राहुल क्या कर रहा है, राहुल क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है, रन कर रहा है ना। तो चलिए पढ़िए आप, राहुल वॉक्स विथ हिज लेग एंड फीट। ओके राहुल रन्स विथ हिज लेग एंड फीट। ओके देखो यहाँ रन कर रहा है किसके द्वारा, लेग एंड फीट के द्वारा। फीट किसको बोलते हैं, ये हो गया आपका फीट, और यहां से ये हो गया यहां तक लेग। ओके तो लेग एंड फीट के द्वारा ये क्या कर, राहुल क्या कर रहा है, रन कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है। वॉक मीन्स बिल्कुल सही, टहलना। चलिए नेक्स्ट आगे देखो, आगे पिक्चर में क्या कर रहा है राहुल, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, बॉल को किक कर रहा है ना। यहाँ पर राहुल क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। ओके नेक्स्ट तो इस पर आप सेंटेंस बनाइए, राहुल जंप विथ हिज लेग एंड फीट। ओके यहां पर आप सेंटेंस बना के बताइए, राहुल किक द बॉल विथ हिज लेग एंड फीट। ओके बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे देखो, सी द पिक्चर गिवेन ब्लो एंड राइट वॉट पार्ट ऑफ योर बॉडी हेल्प अस टू डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे जो पार्ट है, बॉडी पार्ट है, वो किस तरह से क्या क्या चीज़ में हेल्प करते हैं। तो देखो पेंटिंग में भी हेल्प करते हैं, बाइसिकल राइडिंग में भी हेल्प करते हैं, और अगर कोई थिंग्स को अगर कहीं टांगना है, हैंगिंग करना है, तो इसमें भी आपको बॉडी पार्ट हेल्प करते हैं, है ना। तो इस तरह से आपको बॉडी पार्ट हेल्प करते हैं। आपको यहाँ पर लिखना भी होगा आपके बुक्स में, जब आपको बुक्स मिलेंगे तब आप उसको लिखिएगा भी, राइट डाउन करिएगा। ओके तो ये सब राइट डाउन करना है आपको, और यहाँ पर क्या करना है, ज्वाइन ज्वाइन द डॉट्स टू मेक ए पिक्चर। यहाँ पर आपको कुछ डॉट्स दिए हुए हैं, देखो ये क्या है, डॉट आपको मिलेगा, ये डॉट के बाद इसको आपको क्या करना है, मिलाना है ना, क्या करना है, क्या करना है, ज्वाइंट करना है। ऐसे 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 ज्वाइंट करते चले जाएंगे, और ज्वाइंट करने के बाद आपको एक पिक्चर बनेगा। ओके पिक्चर बनेगा, बच्चे ने बनाया है पिक्चर, आपको भी बनाना होगा, जब आपको बुक मिलेगा तो आपको बनाना पड़ेगा, है ना। और ज्वाइंट करके आपको एक पिक्चर बनाना पड़ेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं मछली का बना हुआ है पिक्चर, है ना। अब
यहाँ देखिए बच्चे को क्या वर्ग मिला है। ओके, इन सर्कल द ओड वन आउट, समझे? इन सर्कल मतलब आपको सर्कल करना है द ओड वन आउट, जो अलग हो। ओड वन आउट मतलब जो अलग हो। अब यहां देखिए, ये है हैंड, ये आर्म, ये एल्बो, ये फिंगर, ये बैंगल। बैंगल मीन्स क्या होता है? चूड़ियां। तो चूड़ी तो बॉडी पार्ट नहीं है, तो ये क्या हो गया? ओड वन हो गया। तो ओड वन को क्या करना है? इन सर्कल करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप सर्कल कर लेंगे। यहाँ थिंग्स है, शूज है, नी है, फुट है, टो है। तो यहाँ शूज क्या हो गया? एडिशनल हो गया, ये बॉडी पार्ट नहीं है, तो आप इसको सर्कल कर लिए। फिर यहाँ पर आईज है, नोज है, माउथ है, फूड है, ईयर है, तो फूड क्या हो गया? बॉडी पार्ट नहीं है, तो ये क्या हो गया? ओड वन हो गया। फिर चेस्ट, स्टोमेक, बेल, नेक, रिस्ट, तो ये सारे क्या है? बॉडी पार्ट है ना? लेकिन ये क्या है? बॉडी पार्ट नहीं है, तो बेल्ट क्या है? एडिशनल चीजें हैं, तो बेल्ट को आप ओड वन कर लेंगे। ओड वन है इसलिए इनको इन सर्कल कर लेंगे। ओके, इस तरह से आपके चैप्टर खत्म होते हैं। चैप्टर के अंत में भी अगर कोई ऐड आता है तो कृपया उन्हें चलने देंगे। इतने अच्छे तरीके से पढ़ाने के बदले कुछ मिलना चाहिए एज ए ट्यूशन फी, तो जो भी ऐड आएगा उस ऐड को चलने देंगे प्लीज। और वीडियो या कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप इसको लाइक भी करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देंगे, ताकि और भी बच्चे लाभान्वित हो सकें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।